आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की हलवा। इसको आप लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही बना पाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और बिना भिगोए आप मूंग दाल हलवा बना पाएंगे। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यहाँ पे मैं पीली मूंग दाल ले रही हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी में साफ़ करने के बाद धूप में सुखा ली थी। या फिर अगर आप इंस्टेंट धोना चाहते हैं तो तुरंत इसको 2-3 पानी में धोने के बाद इस तरह कोई कॉटन टॉवल में पोंछ लीजिए और पंखे के नीचे एक घंटा के लिए रख दीजिए, या फिर धूप में एक घंटा के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आपका धुली हुई मूंग दाल तैयार हो जाएगा हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें मैं एक चम्मच घी डालने के बाद इसमें मैं काजू और बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। तो इसमें मैं 10 से 12 काजू है और 10 से 12 बादाम है, तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 1-2 मिनट के अंदर ये रोस्ट हो जाएगा और इसको रोस्ट होने के बाद एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैं फिर से एक चम्मच घी डालूंगी और हमारा जो धुली हुई मूंग दाल था इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सुनहरा होने तक इसको भून लेंगे। तो भूनने के लिए आपको लगभग 3 से 4 मिनट लग सकता है और आपका जो गैस का फ्लेम है इसको मीडियम आंच पर ही इसको भूने, वरना जल जाएगा। अभी देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है और सुनहरा होने लगा है। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो लगभग 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। अभी मैंने 1 कप जैसे मूंग दाल लिया है तो इसमें समान मात्रा में आपको चीनी भी डालना है, 1 कप चीनी भी डालना है और 1 कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर डालें। और इसमें 3 से 4 हम इलायची डालेंगे और इसमें 10 से 12 केसर के धागे मैंने डाल दी है। और इसको अच्छे से एक पाउडर बना लेना है, फाइन पाउडर। तो यहाँ पर हमारा मूंग दाल की हलवा प्रीमिक्स जो है रेडी हो गया है। इसमें हम जो भुनी हुई काजू और बादाम था इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये अभी प्रीमिक्स जो है तैयार है। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के जब मन चाहे तब इसको बना सकते हैं मूंग दाल की हलवा। तो मैं हलवा बनाने के लिए यहाँ पानी ले रही हूँ, तो पानी मैंने 2 ग्लास के करीब गर्म करने के लिए रख दी है। पानी गर्म हो चुका है और इसको अलग रख दूंगी मैं। और एक कढ़ाई गर्म करके इसमें मैं 2 चम्मच के करीब घी डालूंगी। मूंग दाल के हलवा में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी डलता है, तो इसमें 2 चम्मच घी डालने के बाद जो हमारा प्रीमिक्स पाउडर रेडी था इसको मैं 2 कप डाल रही हूँ। ये पहले से भुना हुआ है फिर भी हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। और इस समय भी आपका गैस का जो फ्लेम है इसको मीडियम रखें, वरना इसमें चीनी पहले से डला हुआ है तो जलने की चांसेस ज़्यादा है। तो हल्के आंच पर इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। ध्यान रखें कि इसको जलने ना दें। अभी घी और सभी जो मिश्रण था मिक्स हो गया है। अभी हमारा जो गर्म पानी था इसको मैं 1 कप डालूंगी। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका मूंग दाल की हलवा जो है रेडी हो जाएगा। और इस तरह आप बना करके जब भी प्रीमिक्स पाउडर बना के रखें और जब मन चाहे तब तुरंत इसको बिना झंझट के बना सकते हैं। तो अभी हम 1 कप मैंने पहले से पानी डाल दी है और फिर से मैं 1 कप पानी डालूंगी। आप पानी की जगह पर बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ दूध डाल सकते हैं। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से हिलाते रहें ताकि घी जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और पानी अब्जॉर्ब हो जाए। अभी ऊपर से मैं 2 चम्मच के करीब घी फिर से डालूंगी और फिर इस तरह से मिक्स करते रहें और गैस का फ्लेम जो है सिम रखें।
अभी इसी स्टेज पर आपका गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर दें और थोड़ी देर के लिए चलाएं। अभी आपका मूंग की दाल का हलवा जो है रेडी है खाने के लिए। तो चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। तो ऊपर से हम काजू और बादाम जो भुनी हुई थी इसको हम सजा देंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।